और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस। नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं? गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के, विश्वासघात किया है देश का। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था, जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। दो दिन से देश में सुर्खियां बटोर रहा कालीचरण आखिरकार मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम से तड़के 4 बजे एक लोकल गेस्ट हाउस से धर लिया गया। कालीचरण ने धर्म संसद में राजनीति की और फिर राजनीति का धर्म युद्ध शुरू हो गया। दरअसल रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश की जिला पुलिस को बिना बताए ही दबिश दी और एक लोकल गेस्ट हाउस से कालीचरण को गिरफ्तार कर उसे रायपुर ले गई। रायपुर पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सवाल उठाते हुए इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन करार दिया है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कार्यवाही को न सिर्फ नियम अनुरूप बताया बल्कि ये भी पूछ लिया कि गृह मंत्री महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश है कि नहीं। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को इसका इत्तला नहीं दी गई और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात। पहली बात तो ये, नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्र जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। जिस तरह से कालीचरण को उठाया गया उस पर मध्य प्रदेश पुलिस चाहे तो रायपुर पुलिस पर अपहरण और आपराधिक साजिश का केस कर सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भूपेश बघेल को जवाब देते हुए कहा कि कालीचरण ने जो बोला वो आपत्तिजनक था और जो तरीका रायपुर पुलिस ने अपनाया वो भी आपत्तिजनक है। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था, जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। जो गलत है हम उसको गलत को गलत कह रहे हैं। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने, थाने को सूचना दे के उठा लेते, गिरफ्तारी के बाद थाने को सूचना दे देते। मुझे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका गलत नहीं है। ये हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भूपेश जी कह रहे हैं कि मगर नियम के तहत हुई गिरफ्तारी, कैसे आप बता दें? हम दोनों तो दो दल हैं, आप बता दें नियम से कैसे हुई है?
बिना सूचना दिए, मतलब कोई पुलिस के नाम से फिर तो कहीं भी घुस जाएगा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगा, ऊहापोह की स्थिति पैदा कर देगा, गलत है ये कहना। कालीचरण की कहानी आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि आखिर धर्म संसद ने कालीचरण ने ऐसा क्या कहा कि उस पर धारा 505 की उपधारा 2 और 294 में टिकरपारा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। महामूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया, उन नाथुराम गोड़से जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते। हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़िया है, पुलिस भी गुलाम है। किसकी? प्रशासन का। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। महात्मा गांधी को गालियां देने पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी खबर लगते ही कालीचरण लापता हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए गांधी को न सिर्फ राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर दिया बल्कि गांधीवाद पर जमकर बरसा। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के? विश्वासघात किया है देश का। 14 वोट प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थे और एक वोट भी नेहरू को नहीं था, तो भी नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? और ये वंशवाद की जड़ फैलाने वाले ये गांधी ने पूरे के पूरे कांग्रेस के अन्य प्रतिभाओं का खच्चीकरण कर दिया, अन्य प्रतिभाओं को कुंठित कर दिया। एक वंश गांधी नेहरू वंश का ही बोलबाला करने लग गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में अगर तब प्रधानमंत्री पद गया होता था तो भारत अभी सोने की चिड़िया बनता था, भारत अभी जगद्गुरु होता था, भारत अभी चक्रवर्ती सम्राट होता था, अमेरिका से भी बड़ी पावर भारत बन जाता था। ये महान विश्वासघात भारत की जनता के साथ में गांधी ने किया, इसलिए मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी का। हिज हाइनेस श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे महान प्रतिभाएं कांग्रेस में थी, है, लेकिन इस गांधी नेहरू वंशवाद के कारण उनको व्यवस्थित कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता। इस वंशवाद के जनक गांधी हैं, इसलिए गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक हैं, राष्ट्र के जनक नहीं, इसलिए राष्ट्रपिता नहीं है। मैं नहीं मानता, कोई माने उनकी इच्छा। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, ये गाना लिखने वाले को 100 जूते मारने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो त्याग बलिदान किए, फांसी पर लटक गए ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया देश की आजादी के लिए, ऐसा इनका बोलना है ये गाना रचने वाले का। इतने सारे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी दी गई, उसमें 80% सिख लोग हैं, 20% अन्य क्रांतिकारी हैं। इन क्रांतिकारियों ने जो अपना त्याग बलिदान किया वह व्यर्थ मान लिया ये गाना रचने वाले ने, सारा का सारा श्रेय गांधी को दे दिया।
एक लाठी खाई गांधी ने कभी? ये फांसी के फंदे पर झूल गए ये नौजवान, लेकिन इनको कोई श्रेय नहीं। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का। इनका एक बहुत बड़ा हथियार था अनशन करना, और इन्होंने, मैंने गांधी ने, उसका उपयोग भारतीय जनता के खिलाफ ही किया, हिंदुओं के खिलाफ ही किया। बोला था कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा, मजहब के नाम पर जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो मेरी लाश पे होगा, ऐसा गांधी बोलते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तब गांधी जिंदा थे, और बंटवारे के समय जो दंगे हुए, लाखों करोड़ों हिंदुओं को सिखों को काट डाला गया उसमें, और लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार के उनकी लाशें भेजी गई, लाखों हिंदुओं को, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया एक ही दिन में, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिन्ना के द्वारा। और पाकिस्तान में से जो ट्रेनें आ रही थी वो लाशों से ही भरी हुई थी, महिलाओं के और पुरुषों के, बोरों के बोरों भर, बोरे के बोरे भर के महिलाओं के स्तन काट कर भेज रहे थे वहां के लोग। सामूहिक बलात्कार करी हुई महिलाएं, उनकी लाशें, उनके स्तन बोरों में भर के। और यहां गांधी अनशन कर रहे थे कि 55 करोड़ रुपए दो पाकिस्तान को। जब सिख लोगों ने दंगे से पीड़ित होकर कड़कड़ाती ठंड में मस्जिदों का आश्रय लिया, तो उसके लिए अनशन पे बैठ गए गांधी कि इनको मस्जिदों से बाहर निकालो, मुसलमानों को मस्जिदें सौंप दो। पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर मांग लिया मुसलमानों ने कि भारत को और खाया जाए। गजवाए हिंद के तहत भारत को मुसलमान बना दिया जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर, हजारों वर्ग किलोमीटर का कॉरिडोर, इसके लिए गांधी अनशन पे बैठने वाले थे। के शासन को वो दे देना पड़ता था और भारत फिर से बढ़ जाता। स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने गांधी के सामने जातीयवाद तोड़ने की बात कही कि वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्णवाद और हजारों जातियों में बटा हुआ जातीयवाद, इसको तोड़ दो और हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे सारे हिंदुओं को एक कर दो। तो गांधी ने इसके लिए ये बात नहीं मानी, इस ये मांग पूरी करने के लिए अनशन पे नहीं बैठे। उन्होंने कहा जैसा है वैसा रहने दो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बोला था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा करो, देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को संसद में मनवाने के लिए अनशन पे नहीं बैठे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अवमान मानता हूं मैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अवमान मानता हूं मैं। ऐसी ढेर बातें हैं, ढेर बातें। कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे पिता बनेगा? अगर पिता बनाना ही है राष्ट्र का अनिवार्य है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बनाना चाहिए, राणा प्रताप जी महाराज को बनाना चाहिए, आचार्य चाणक्य जी को बनाना चाहिए, और अभी के महापुरुषों को अगर बनाना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे राष्ट्र कुल को एकत्रित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। छोटी छोटी रियासतों के टुकड़ों को एकत्रित करते हुए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने राष्ट्र में जो टुकड़े टुकड़े थे उनको एकत्रित किया, राष्ट्र कुल को एकत्रित जिस व्यक्ति ने किया उसको ही राष्ट्रपिता का सम्मान मिलना चाहिए, ना कि हिंदुओं से पार्शियलिटी करने वाले गांधी को। अगर वो कॉरिडोर मिल जाता था पाकिस्तान बांग्लादेश को, तो हिंदुस्तान कब का मुसलमान बन चुका होता था। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा, कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने, कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा
गांधी नहीं महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए, तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो। मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। ओम काली। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने पहले ही शक जाहिर किया था कि कालीचरण मध्य प्रदेश में पनाह ले सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कालीचरण का गहरा नाता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब कालीचरण सोशल मीडिया की सनसनी बना था। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग वाले भोजपुर मंदिर में उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह बाधित स्थले गले वलंबितं भुजंग तुंगमाली। महाराष्ट्र के अकोला जिले के शिवाजी नगर के रहने वाले कालीचरण का असली नाम अभिजीत धनंजय है। आठवीं तक शिक्षा प्राप्त। बताया जाता है कि उसकी बदमाशियों से परेशान माता पिता ने मौसी के घर इंदौर भेज दिया, जहां वो भय्यू महाराज के संपर्क में आया और उनके आश्रम में जाने लगा। कालीचरण खुद को काली पुत्र बताता है। उसका दावा है कि उसे काली माँ ने दर्शन दिए हैं और एक एक्सीडेंट में 90 डिग्री तक घूम गए उसके पैर को ठीक कर दिया। कालीचरण का दावा है कि उसे काली माँ आज भी दर्शन देती हैं। कालीचरण ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2017 में अकोला नगर निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई पर हार नसीब बनी। इसके बाद 2019 में अकोला पश्चिम विधानसभा सीट से टिकट पाने के लिए दम लगाया, लेकिन कामयाब ना हो सका। कालीचरण ने धर्म संसद में पुलिस प्रशासन शासन और नेताओं पर ज्ञान बांटा, गांधी को गालियां दी, गोडसे को महिमा मंडित किया, इस्लाम को कोसा, यानी धर्म के मंच से राजनीति शास्त्र उवाचा। जानकार इसे कालीचरण की राजनीति में आने की उसकी इच्छा के लिए पिच तैयार करने का बैकग्राउंड बता रहे हैं, पर फिलहाल कालीचरण संगीनों के साए में है। तो आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। अगर आपने अब तक टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।